सोलन पुलिस नशे के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है, जिससे वह नशे के कारोबारियों पर लगातार पैनी नजर रखे हुए हैं और अपने गुप्तचरों को पूरे सोलन में सक्रिय किए हुए हैं। यही वजह है कि सोलन में बीते 6 माह में पुलिस 15 किलो चरस, 12,500 शराब की बोतलें पकड़ चुकी है, जिसमें वह पकड़े गए आरोपियों को सलाखों के पीछे भी भेजने में कामयाब हुई है। सोलन पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने नशाखोरों को चेतावनी दी है कि वह नशे का कारोबार करना छोड़ दें, क्योंकि सोलन पुलिस पूरी तरह से वचनबद्ध है कि वह किसी भी तरह से नशे के काले कारोबार को सोलन में पनपने नहीं देगी और जो भी इस काले कारोबार में शामिल होगा उसे सलाखों के पीछे भेज कर ही रहेगी। जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने कहा कि वह 6 माह में 22 मामलों में 15 किलो चरस पकड़ चुके हैं, जिसमें से वह 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं करीबन 82 मामलों में 12,500 शराब की बोतलें पकड़ने में कामयाब हुए हैं, जिसमें 90 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर मामले जागरूक जनता द्वारा दी गई सूचना पर सामने आए हैं, जिस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसीलिए उन्होंने सोलन की जनता से अपील की है कि वह पुलिस को इसी तरह सूचना प्रदान करते रहें, ताकि सोलन से नशे के कारोबारियों को समाप्त किया जा सके। 6 मंथ की बात की जाए तो तकरीबन 20 केसेस NDPS एक्ट में रजिस्टर हुए, जिसमें 22 अरेस्ट हुई हैं और 15 किलो के आसपास चरस हमने इसमें रिकवर की है। और अगर इलिसिट लीकर की बात करें तो तकरीबन 81-82 केसेस हैं, जिसमें 88-90 के आसपास अरेस्ट हैं और 12,500 बॉटल्स हमने जो इलिसिट लीकर है रिकवर की है। तो मेरी यही अपील रहेगी सबसे कि आपके आसपास अगर कुछ आपको ऐसी एक्टिविटी नज़र आती है, आप हमारी टीम्स को बताएं, हमारे थाना लेवल या चौकी लेवल पे बताएं। सोलन पुलिस आशा करती है कि आप हमारे साथ जुड़ें, और ताकि हम ऐसे जो नशे के व्यापारी हैं या जो हमारे समाज में ऐसी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं, हम उन्हें दूर भगाएं और उनको अपने लीगल अंजाम तक पहुंचाएं।